गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे। आज की क्लास में बच्चे, मैं आप लोगों के साथ एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ। और चैप्टर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इजी भी है, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग जो पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप आज अब ऐसे देखो, फाउंडेशन कोर्स अकाउंट्स का जो है, मतलब सीए फाउंडेशन का जो फाउंडेशन कोर्स है, अब उसका बेसिक यही समझो कि जब आप सीए पे ज्वाइन करते हैं तो कुछ कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अकाउंट्स की कुछ बैकबोन्स की बात की जाती है, कुछ बेसिक्स की बात की जाती है। आई नो कि आप ये चैप्टर जो अकाउंट्स का, जो ये जो फंडामेंटल चैप्टर है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। मतलब मैं 11th के, मेरे ख्याल से 11th में आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हो, लेकिन नए जो स्टूडेंट जो आ रहे हैं, मतलब जो नॉन कॉमर्स स्ट्रीम से आ रहे हैं, उनके लिए चैप्टर तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंट्स की बैकबोन जो है, जो बेसिक्स है, वो इसी चैप्टर पर मिलते हैं। दूसरा, मैं उम्मीद करता हूँ जो बच्चे कॉमर्स करके भी आए हैं उन्होंने 11th में चैप्टर को इतना डिटेल नहीं पढ़ा होगा। रीजन भी, उस समय मेच्योरिटी भी कम होती है और शायद 11th स्टार्ट करते हुए भी, मतलब हम इस चैप्टर पर इतना फोकस नहीं कर पाते। हाँ, समझते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग लेवल मुझे लगता है कि आज की क्लास करने के बाद आपको लगेगा कि इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। मतलब अगर एक अकाउंट्स की बात की जाए, अगर मैं अकाउंटिंग के बेसिक्स की बात करूँ, तो इस चैप्टर को हम लोग थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में, मतलब अकाउंट्स के जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो फंडामेंटल लेवल से स्टार्ट होते हैं। और ये चैप्टर आपको लाइफ में कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। जब भी आप अकाउंट्स को लेके कहीं भी आपको डाउट आएगा किसी भी चीज पे, तो ये कंसेप्ट आपकी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 11th में जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी है, आप लोग बोलते हैं बच्चे कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर द फर्म। वो किस वजह से बोला जाता है कि भाई कैपिटल जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा लगाया है, वो उसके लिए कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। इट इज बेस्ड ऑन एंटिटी कंसेप्ट, याद है आप लोग को, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो मैं आपको बताऊँ, अकाउंट्स के जहां पर आपको डाउट है, जैसे आपको कोई भी डाउट आता है, तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको इन कंसेप्ट में छुपा हुआ कहीं ना कहीं मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना बच्चे कि चैप्टर में, मतलब मैं एग्जामिनेशन पॉइंट से बोलू, सीए फाउंडेशन में इसमें क्वेश्चन में देख रहा हूँ ज्यादातर पूछा ही गया, मतलब 4 नंबर या 6 नंबर या ट्रू फॉल्स में ये चैप्टर की, तो मतलब आप ऐसे देखो ये चैप्टर पूछते ही। और मजेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप हर जगह से देखो, मजा भी आएगा चैप्टर को पढ़ने के लिए, इंटरेस्टिंग भी है, मतलब मजा तो आएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग है, तभी तो मजा आएगा। दूसरा बच्चे, वेटेज भी है एग्जाम में। वेटेज कई बार होता है, चैप्टर पढ़ तो लिया बट उसकी वेटेज एग्जाम में नहीं है, तो वेटेज भी है, बट बहुत ज्यादा वेटेज ना हुई करें कि चैप्टर 20 नंबर आपको देगा, ऐसा नहीं है। छोटा चैप्टर है, अच्छा थ्योरी चैप्टर है, और अकाउंट्स की बेसिक्स की बातें करेगा जो आपको हेल्प करेगा टू बिल्ड अप योर अकाउंटिंग। तो फाउंडेशन लेवल पे मैं बोलूंगा ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का चैप्टर है, क्योंकि आपकी बैकबोन, आपके बेसिक्स को यही चैप्टर स्ट्रॉन्ग करता है। अब इस चैप्टर में देखो क्या छुपा हुआ बच्चे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, नाम से देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। मतलब अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग होती क्या, अकाउंटिंग बेसिकली आप बच्चे से बोलते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यस ये डेफिनेशन होती है। अगर मैं बोलूं अकाउंटिंग बेसिकली इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, मतलब ये बिजनेस की लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करते हैं टू द अदर्स, मतलब अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं, मतलब अकाउंट्स आप चैप्टर बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, अब अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जब आप फाइनल में आप आओगे ना, तो आप फाइनल में आप ये नहीं बोलोगे, सी फाइनल में आप बोलोगे वी आर, मतलब हमारे पास जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंट्स का थोड़ा सा लेवल बढ़ता है, मतलब फाइनल में अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते, मतलब चैप्टर उसको ही बोलते हैं। हम लोग अपने पेपर को क्या बोलते हैं कि हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको नाम से लगे यस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और हमें एज ए सीए हमें करना भी क्या, हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि अकाउंट्स के बारे में आपने पढ़ा हो, ये जो बेसिक्स होती है, अकाउंट्स इज अ लाइक अ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मतलब ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है कंपनी का, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड करता है टू दी अदर्स। मतलब एक बिजनेस के बारे में अकाउंटेंट बताता है इन फाइनेंशियल टर्म्स में, वो सारी चीजें बताता है कि, लेकिन एक वो होता है कि भाई बिजनेस में फाइनेंशियल एस्पेक्ट आप बताते हैं, बताया देना अकाउंटेंट आप बिजनेस के फाइनेंशियल एस्पेक्ट। अब बात आती है बच्चे कि क्या मैं अकाउंट्स करते हुए, क्या बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हुए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करूंगा, क्या कुछ मेरे पास अजम्पशंस हैं, क्या कुछ कंसेप्ट्स हैं, जिन कंसेप्ट्स को फॉलो करते हुए मुझे क्या करना है, मुझे अकाउंट्स करने, यस नो डाउट करने, ऐसे कंसेप्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो चैप्टर का नाम ही देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब देखो मैंने कुछ बेसिक एक इंट्रोडक्शन बनाई है इसमें, देखो क्या लिखा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट यूजफुल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस टू इट्स वेरियस यूजर्स
इनेबल देम इन जुडिशियस डिसीजन मेकिंग। मतलब अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये क्या है कि अपने यूजर्स को एक इन्फॉर्मेशन देना ताकि वो एक बेहतर डिसीजन ले सके। जैसे आपने चैप्टर पढ़ा था कि अकाउंट्स के जो यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होते थे? ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज। और जो एक्सटर्नल यूजर्स होते थे उसमें कौन कौन आता है? उसमें आता था आपका क्रेडिटर्स, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सप्लायर्स, गवर्नमेंट। इन सबको क्या लेना है? बिजनेस के बारे में डिसीजन लेना है। और डिसीजन अच्छा तभी लिया जाता है जब आपके पास इन्फॉर्मेशन हो। बट एज ए बिजनेसमैन आपको इन वेरियस पर्सन से, इन अलग अलग लोगों से डील करना है। मतलब मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे बैंक को जाके, मैं अगर मैं बैंक को बोलूँ बैंक मुझे लोन चाहिए, बैंक से आप करते क्या हो, आपका बिजनेस क्या है, कितना कमाते हो, तो मैं बैंक को ऑर्डरली तो नहीं बताऊंगा, मैं अपने बिजनेस का फाइनेंशियल डेटा दूंगा। उस बेसिस पे बैंक जज करेगा कि मैं लोन डिजर्व करता हूँ या नहीं करता। अब बात आती है कि जब आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाते हो, अगर मैं ऐसे बोलूँ मेरे पास कुछ मेरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, अगर मैं 5 अकाउंटेंट्स को बोलूँ मेरे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाओ, मतलब मेरी बैलेंस शीट बनाओ, अगर वो सब अलग अलग बना के तरीके से बना के देते हैं और सबके प्रॉफिट्स अलग अलग आते हैं, तो फिर मुझे लगेगा नहीं कि अकाउंटिंग डाइवर्सिफाइड है। मतलब अलग अलग तरीके से लोग प्रॉफिट निकालते हैं। बेसिक चीज क्या है, ये चैप्टर क्या कर रहा है? एक जो डाइवर्सिफिकेशन होता है इन अकाउंटिंग, उसको खत्म कर रहा है। मतलब बेसिक प्रिंसिपल आने से क्या होता है, वो जो डाइवर्सिफिकेशन, जो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, वो खत्म हो जाती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन जाए, मतलब लोगों के माइंड से कंफ्यूजन खत्म हो, और साथ साथ आपकी यूनिफॉर्मिटी है, मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो यूनिफॉर्म बेसिस में सभी को मिले। तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव, मतलब लोगों को आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट, यूजफुल एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजिशन ऑफ द बिजनेस टू इट्स वेरियस यूजर्स टू इनेबल देम इन जुडिशियस डिसीजन मेकिंग। द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव, ये ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा? When the accounting records, जब क्या हो, accounting records आपने maintain किया हो कैसे? When the accounting records are maintained on the basis of uniform rules and principle, accounting principle, concept and conventions are generally known as, इसको क्या बोलते हैं? Generally accepted accounting principles बोलते हैं। These principles are the base of accounting, आपके accounting का base होता है। मतलब आज जो हम chapter पढ़ रहे हैं, ये हमारे accounting के basics बनाएंगे कि कहीं भी मुझे कोई doubt हो। जैसे आप लोग बच्चे बोलते हो ना कि हमारे, जैसे आप लोग लिखो जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो बोलते हैं कि भी जीवन में कुछ समस्या आती है तो आप अपने जैसे वो ग्रंथ पढ़ते हो, जैसे गीता, कुरान, बाइबल, वैसे अकाउंटिंग में अगर आपको कुछ इश्यू आता है तो हम इन प्रिंसिपल्स को मदद लेते हैं। मतलब मेरी लाइफ से रिलेटेड, जैसे बोलते हैं ना जीवन से रिलेटेड कोई समस्या हो तो हम उस तरफ देखते हैं, लेकिन अगर अकाउंट से रिलेटेड कोई समस्या हो, अकाउंट से रिलेटेड अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है, तो बच्चे फिर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की तरफ देखना। कभी भी अकाउंट्स को लेके, जैसे अकाउंटिंग करते हुए लाइफ में कभी भी कोई इशू है तो इन प्रिंसिपल्स की मदद ली जाती है। ये प्रिंसिपल बेसिकली क्या कर रहे हैं? यूनिफॉर्मिटी क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आपकी अकाउंटिंग में जो डाइवर्सिफिकेशन आने की बात होगी वो डाइवर्सिफिकेशन खत्म हो जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल्स हो गए, बेसिक रूल्स हो गए। ये अकाउंटिंग अगर मैं प्रिंसिपल को बोलूं तो ये बेसिक नॉर्म्स हैं या बेसिक अजम्पशंस हैं जिनके बेस पे आपका अकाउंटिंग स्ट्रक्चर डेवलप करता है, या फिर आप कह सकते हो एस्टैब्लिश करता है। मतलब जिस बेसिस पे हम अकाउंटिंग डेवलप करते हैं, जिस बेसिस पे मतलब अकाउंटिंग डेवलप होती है, या मैं बोलूं एस्टैब्लिश होती है, वो नॉर्म्स एंड अजम्पशन, उन्हीं को मैं क्या नाम देता हूँ? मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल देता हूँ। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल की मुझे जरूरत क्यों है? क्योंकि मुझे मल्टीपल आंसर्स नहीं चाहिए, मुझे एक ही आंसर चाहिए। मैं चार अगर अकाउंटेंट को अपनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मैं अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर चार लोगों को रिकॉर्ड करने के लिए बोलूँ, तो चारों मुझे एक ही प्रॉफिट ला के दें, अलग अलग ना ला के दें। तो डाइवर्सिफिकेशन खत्म कैसे होगा? जब सभी को एक जैसे रूल्स दिए जाएंगे, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिकली सिमिलर रूल्स देते हैं, जिससे डाइवर्सिफिकेशन होने का जो मतलब प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाती है, कंफ्यूजन खत्म, और साथ साथ यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करना, ये ऑब्जेक्टिव है किसका? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। ठीक है, तो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करूं तो वो क्या है बच्चे? कह रहे इसको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर द बेस ऑफ अकाउंटिंग। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रेफर्स टू द रूल्स गाइडलाइंस अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग and reporting of business transaction in order to bring uniformity and consistency in the preparation and presentation of financial statement. मतलब मेरी financial statement जो मैं बना रहा हूँ उसमें uniformity है। First, कह रहा in short, आपका accounting जो principles है are the guidelines to establish standard for sound accounting practices and procedures in reporting
फाइनेंशियल स्टेटस एंड पीरियोडिक परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस दिस इज ऑल्सो नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग. मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिक वो रूल्स है, वो नॉर्म्स है जिन पर हमारी अकाउंटिंग चलती है और जिन पर मतलब हमारा अकाउंट्स खड़ा है, वो पिलर्स है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब बेसिक बातें हैं जिन पर हमारी अकाउंटिंग होती है. मैं अगर बोलूं एक कंट्री में जो अकाउंटिंग स्ट्रक्चर चलता है वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पर चलता है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं तीन चीजें इसमें, हमने इन तीन बातें करनी है, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट और कन्वेंशन. मैं आपको बताऊँ तीन चीजों पर बात करेंगे, प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन. आज की क्लास में मैं आपको प्रिंसिपल, कंसेप्ट और कन्वेंशन अलग अलग करके बता दूंगा, बट आगे जाके लिए मेरे लिए सेम होगा. मतलब मैं आपको बोलूं कंसेप्ट ये सिमिलर वर्ड्स है, मतलब इंटरचेंजेबल वर्ड्स है. अभी मैं आज की क्लास में इन पर डिस्कशन करूंगा कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कंसेप्ट क्या होते हैं. प्रिंसिपल मैं बोलूं तो प्रिंसिपल्स है डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत, रूल्स है. कंसेप्ट बेसिकली अजम्पशंस है जिन पर बेस्ड होते हैं. मतलब मैं अकाउंटिंग करते हैं कुछ अजम्पशंस लगाता हूँ और कुछ मेरी कन्वेंशंस हैं. कन्वेंशंस का मतलब होता है मेरे कस्टम, मेरे रीति रिवाज. मतलब तीन चीजों की बात करते हैं, डॉक्ट्रिन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब है बच्चे डॉक्ट्रिन, ये DOC डॉक्ट्रिन, RINE डॉक्ट्रिन, अजम्पशंस और कंसेप्ट का मतलब अजम्पशन और कन्वेंशन का मतलब है बच्चे कस्टम, जो रीति रिवाज हम फॉलो कर रहे हैं. मतलब ये तीन चीजें आपके लिए अकाउंटिंग बेसिक्स बनाती है. आज की क्लास में प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट अलग अलग होंगे. आपको पेपर में अगर वो बोलता है एंटिटी कंसेप्ट बताओ, एंटिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो, तो तीनों का मतलब एक ही होगा, आपके लिए सेम ही होगा. अभी आप आगे देखो क्या होता है. सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या मीनिंग. कह रहे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन, मतलब ये सिद्धांत है. ये डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, बेसिक रूल्स, कॉमनली एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब जो कि रिलेटेड है किसी अकाउंटिंग थ्योरी से. एंड दी प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, मतलब जो अकाउंटिंग करने का मेथड है वो प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं. सर्विंग एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करेंट प्रैक्टिस एंड एज ए गाइड फॉर द सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशन और प्रोसीजर वेयर अल्टरनेटिव एग्जिस्ट, मतलब जहां पर डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स होंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है या फिर आपका कौन सा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है. अगर इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना हो तो मुझे अकाउंटिंग प्रिंसिपल गाइड करते हैं कि मुझे कौन सा चूज करना चाहिए. ठीक है, दूसरी बात अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात करो तो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है. अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो बेसिक अजम्पशंस हैं जिनको मान के मैं चलता हूँ और मेरी अकाउंटिंग बेहतर होती है. मतलब आप एक कंसेप्ट आगे जाके पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट. सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट से कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है. हमारा पहला कंसेप्ट वही होगा जिसमें हम बात करेंगे एंटिटी कंसेप्ट की. एंटिटी कंसेप्ट से बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है. अकाउंट्स में कुछ अजम्पशन बेस्ड भी काम होता है, बट प्रैक्टिकली मैं आपको बोलूं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटर एंड देयर फर्म. दोनों सेम ही माने जाते हैं. लीगल एंटिटी दोनों की अलग नहीं होती. पार्टनरशिप में भी पार्टनरशिप फर्म की एंटिटी अलग नहीं होती किससे, पार्टनर से. ठीक है, लेकिन यहां पर हम मान के चलेंगे पार्टनरशिप फर्म अलग है एंड देयर पार्टनर्स आर डिफरेंट. उनकी अपनी अलग अलग पहचान है. ये अकाउंटिंग अजम्पशंस होती है. तो कंसेप्ट का मतलब क्या है. कंसेप्ट का मतलब है अकाउंटिंग कंसेप्ट डिफाइन द अजम्पशन ऑन विच, ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एंटिटी आर प्रिपेयर्ड. मतलब हम वो अजम्पशंस की बात करते हैं. अकाउंटिंग जो कंसेप्ट है वो अजम्पशंस है. मतलब कंसेप्ट का मतलब मैं वो अजम्पशंस बोलूंगा जिन पर ये अकाउंटिंग बेस्ड होती है. नेक्स्ट हम अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होती है. कन्वेंशन का मतलब होता है परंपराएं जो हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसको हम अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलते हैं. ध्यान से देखो तो कन्वेंशन का मतलब है वो परंपराएं. देखो क्या लिखा है, द कन्वेंशन डिनोट कस्टम और ट्रेडिशन और प्रैक्टिस बेस्ड ऑन जनरल एग्रीमेंट बिटवीन अकाउंटिंग बॉडी विच गाइड द अकाउंटेंट वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब जो अकाउंटेंट को गाइड करते हैं कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने. तो तीन बातें, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स का मतलब डॉक्ट्रिन जो सिद्धांत है. नंबर टू जब मैं बात करूंगा कंसेप्ट ही, तो कंसेप्ट मीन्स अजम्पशन जिन पर मैं मान, जो मैं मान के चलता हूँ. मैं अकाउंटिंग करते हुए मेरे को सपोर्ट चाहिए होता है. मैं अकाउंटिंग करूंगा तो मुझे इन अजम्पशंस का सपोर्ट चाहिए. वो सपोर्ट होगी तभी अकाउंटिंग में मतलब अपनी अकाउंटिंग को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा. मतलब मैं बोलूंगा ना, अगर आप किसी को जाके बोलो कि भाई आप बिजनेस में जो पैसा लगाते हो वो भी आपकी एक लाइबिलिटी है. कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ में आपसे पूछो, वो कहेगा भाई तेरे बिजनेस में तेरा पैसा जो लगा हुआ वो लाइबिलिटी कैसे हो सकता है, वो थोड़ी तुम्हें देना है. लेकिन अकाउंटिंग सेंस में बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है. देयर इज अजम्पशन. तो हम अगर बात करें तो बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, ये अजम्पशन हम लगाते हैं तभी तो कैपिटल आपके लिए क्या बनती है. कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, इट इज एन इंटरनल लाइबिलिटी. तो बिजनेस में कुछ अजम्पशंस लगाई जाती है, उसी पर बेस्ड होकर अकाउंटिंग होती है. तो उसको हम कंसेप्ट बोल देते हैं. दीज आर अकाउंटिंग कंसेप्ट. एंड नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग ट्रेडिशन. जो अकाउंटिंग में कुछ चीजें चलती आ रही है, रीति रिवाज चल रहे हैं, मतलब अकाउंट करने के तरीके चल रहे हैं और उन्हीं तरीकों को हमने मान लिया. जैसे अब आप लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं,
दिवाली सेलिब्रेट हम करते हैं तो उसमें जो गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं वो एक तरीके का ट्रेंड बन चुका है, वो ट्रेडिशन बन चुका है। अब दिवाली का मतलब ये होता है कि गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, वो चलता जा रहा है। अब आगे आप देखो जैसे कई चीजें अब आगे ऐड होती जा रही है, जैसे जैसे अभी भी लेटेस्ट में अगर देखो तो चीजें बदलती जा रही है। जैसे लोग पहले शादी में क्या होता था, एक बारात जाती थी और एक खाना वाना होता था, अब प्री वेडिंग शूट भी उसका पार्ट बनता जा रहा है, वो कस्टम बनता जा रहा है। तो आज से 20 साल बाद आप देखो कि ये तो पार्टी का वो होगा कि ये भी होता है उसमें, मतलब शादी कल्चर में बनता जाएगा। तो आप देखना कि कस्टम्स मतलब अकाउंट्स में भी वही चीज है कि अकाउंट्स में कुछ चीजें क्या होती जा रही है जो लोग कर रहे थे रेगुलर काफी टाइम से करते जा रहे थे और वो ठीक थी, उन्हीं को क्या बन गया, वो एक रूल्स बन गए, वो एक बेसिक रूल की तरह ही अब वो काम करते हैं कि ये भी अकाउंट्स में होता है। तो उनको हम कस्टम्स रीति रिवाज बोलते हैं कि अकाउंटिंग में ये भी होता है, ठीक है। तो तीन चीजें हम बात करेंगे कन्वेंशंस की। अब आगे एक चीज और बता दो, इन द चैप्टर द टर्म अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन हैव बीन यूज्ड इंटरचेंजेबली, मतलब मैं जब इस चैप्टर की बात करूंगा तो मेरे लिए तीनों सेम होंगे, एंड टू मीन दोज बेसिक पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट ऑन विच फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस आर फाउंडेड, मतलब जिन पर ये अकाउंटिंग थ्योरी बनी है। अब आपके स्टडी में अगर देखूं तो एक कंसेप्ट एंटिटी दिया हुआ है, मनी मेजरमेंट, प्रायोरिटीसिटी, अक्रूअल, मैचिंग, ये सारे कंसेप्ट हमने पढ़ने हैं। बेसिकली इसमें से कुछ कंसेप्ट है, कुछ आपकी वो है कन्वेंशन है। मैं आपको बात करूं तो आगे कुछ भी लिखो, एग्जाम में कन्वेंशन लिखो या फिर आपके आगे प्रिंसिपल लिखो, एक ही बात है, आपके लिए ये वर्ड्स डिफरेंट नहीं है। अब आप तीनों को एक साथ ही लेके चलेंगे। सबसे पहला जो मेरा कंसेप्ट है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये क्या कहता है बच्चे, ये जो पहला कंसेप्ट है ये कहता है कि बिजनेस इज ट्रीटेड एज एन एंटिटी विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, मतलब बिजनेस क्या है, अलग है, बिजनेस बिजनेसमैन से अलग है। जब भी आप अकाउंट्स करेंगे, जब भी आप एक बिजनेस के अकाउंट्स बनाएंगे तो आप मान के चलेंगे कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है, दोनों की एंटिटी, दोनों की अपनी एक अलग पहचान है, दोनों का अपना एक अलग वजूद है, मतलब एक अलग अस्तित्व है। एंटिटी मतलब मेरा एक अलग वजूद है, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। मतलब आप ऐसे देखो, मैं एक नेचुरल पर्सन हूँ, मैं एक बिजनेस करता हूँ, मैं उसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, तो एक बिजनेस हो गया, एक मैं हो गया, दोनों की अलग एंटिटी है। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनती है वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनती, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है। जब भी बिजनेस में अकाउंट्स बनेंगे, आप खुद सोचो, मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ, नो डाउट अकाउंटेंट तो मैं हायर करूंगा, लेकिन अगर मैं बिजनेस करता हूँ अकाउंटेंट मैं हायर करूंगा, बट बिजनेस की जो अकाउंटिंग होगी वो अकाउंटेंट सारी अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ से करेगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ से करेगा, ना कि बिजनेसमैन के, क्योंकि दोनों की अलग एंटिटी है। कह रहा बिजनेस इज ट्रीटेड एन एंटिटी विच इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, देयरफॉर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम द ओनर, मतलब ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनती। जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो किसके पॉइंट ऑफ से रिकॉर्ड होती है, वो ऑनर के पॉइंट ऑफ से रिकॉर्ड ना होके मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ से रिकॉर्ड होती है। जब भी ध्यान रखना, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। आप बिजनेस में पैसा लगाते हो, आपने सपोज करो एक शॉप खोली, उसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो आप ऐसे मान के चलो आपने उस बिजनेस को 5 लाख रुपए उधार दे दिए, क्योंकि अकाउंट्स की जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट बिजनेस की बनेगी और बिजनेस उस पैसे को क्या मानेगा कि मैंने पैसा प्रोप्राइटर से उधार लिया हुआ है, तो प्रोप्राइटर ने पैसा मुझे बिजनेस को एज ए लोन एज ए उधार दिया हुआ है। कैपिटल इज ऑल्सो लाइबिलिटी, उसको हम इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं बोलते। नेक्स्ट क्या देखो, कह रहा था ऑनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर इंटरनल लाइबिलिटी फॉर हिज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एज द फर्म इज बोरोड फ्रॉम इट्स ऑनर इंस्टेड ऑफ आउटसाइड पार्टी, मतलब बिजनेस ने क्या किया है, किसी बाहर से उधार ना लेके ऑनर से उधार लिए, कैपिटल को भी उधार ही मानते हैं, ठीक है। अगर ये जंक्शन ध्यान समझना, अगर मैं ये जंक्शन लगाऊंगा ही नहीं, अगर मैं दोनों की एंटिटी को एक ही मानूंगा, बिजनेस और बिजनेस, तो फिर तो कैपिटल कभी लाइबिलिटी नहीं बनेगा ना। तो मेरी अकाउंटिंग को सपोर्ट करने के लिए जंक्शन की बहुत जरूरत है, मतलब मेरी अकाउंटिंग, आप मतलब मैं किसी भी यूजर को अगर अकाउंटिंग समझाऊंगा, मैं बोलूंगा ये भी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट जब बैंक को दूंगा कि मेरी ये बैलेंस शीट है इसमें, वो कहेगा कैपिटल भी लाइबिलिटी है, कैपिटल का पैसा तो आपका है, तो उसे बताएंगे कि बिजनेस इसे मतलब बिजनेस की क्या है, अपनी एक अलग एंटिटी है और हमने जो पैसा लगाया हुआ वो क्या है, वो एक तरीके से उधार दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बच्चे देखो नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस लाइक एनी अदर बिजनेस एक्सपेंस, इज प्राइवेट एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज ड्रॉइंग लीडिंग टू रिडक्शन इन कैपिटल, मतलब प्रोप्राइटर अगर बिजनेस में पैसा लगाता है तो नो डाउट उसको क्या मिलेगा, उसको अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट इंटरेस्ट मिलेगा। यस, आप बिजनेस में एक खर्चा बुक करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो बिजनेस के लिए क्या होता है, वो खर्चा होता है। अब वो खर्चा आप रिकॉर्ड करोगे क्योंकि कैपिटल को भी आप उधार की तरह ही डील करो। दूसरा, अगर प्रोप्राइटर बिजनेस में से पैसे निकालता है तो
वो ड्राइंग्स होगा, वो ड्राइंग्स बोलते हैं, आप भी पढ़ चुके हो। ड्राइंग की डेफिनेशन क्या होती है? अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, जो वो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड एज ड्राइंग। और ड्राइंग करने से क्या होगा, अगर प्रोप्राइटर बिजनेस को, जैसे मैंने बिजनेस को पैसा उधार दिया है, अगर मैं उस पैसे को वापस निकालूंगा तो क्या होगा, मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, बिजनेस मेरी कैपिटल को कम कर देगा, जैसे मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, अगर मैंने 50,000 अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले तो मेरी कैपिटल 5 लाख से घट के कितनी रह जाएगी, मेरी 4.5 लाख रह जाएगी, क्योंकि 50,000 मैंने वो विड्रॉ कर लिया। अब आगे देखो क्या लिखा है बच्चों, नेक्स्ट में थर्ड शीट लेता हूँ इसमें, देखो नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो नेक्स्ट है एंटिटी कंसेप्ट मींस दैट एंटरप्राइज इज लाइबल टू ऑनर फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ऑनर, सिंस द ऑनर इन्वेस्टेड कैपिटल विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्क कैपिटल एंड ही क्लेम ऑन प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज, और वो प्रॉफिट मांगता है। मतलब आप बिजनेस में क्या लेते हो, आप बिजनेस में पैसा लगाने के लिए उस रिस्क के लिए आप क्या लेते हो, उससे प्रॉफिट लेते हो। मतलब अगर मैं कंपनी या बिजनेस में काम करता हूँ तो बदले मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, साथ साथ मुझे क्या मिलता है, साथ साथ मुझे सैलरी मिलती है। मतलब बिजनेस में काम, जैसे अंबानी है, क्या वो कब रिलायंस में काम करते हैं, क्या रिलायंस उनको सैलरी मिलती है, मिलती है भाई, काम करने की सैलरी मिलती है, पैसा लगाने के लिए सैलरी नहीं मिलती। अगर मैं बिजनेस में काम करूंगा तो मुझे काम करने की सैलरी मिलती है, प्रॉफिट मुझे इसलिए नहीं मिलता मैं पैसे लगा रहा हूँ, उसके लिए तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। मैं पैसा लगाता हूँ, मैं रिस्क लेता हूँ, वो रिस्क का रिवॉर्ड मुझे क्या मिलता है, मुझे प्रॉफिट मिलता है। तो बिजनेस में आप कैपिटल लगाते हो तो यू आर टेकिंग द रिस्क, तो उस रिस्क का रिवॉर्ड आपको क्या मिलेगा, उस रिस्क के रिवॉर्ड पे आपको क्या मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, कह रहे सिंस द ऑनर इन्वेस्टेड द कैपिटल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड रिस्क कैपिटल ही हैज क्लेम्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज, अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज अपोर्शन्ड टू द ऑनर एंड इज इमीडिएटली पेबल बिकम्स अ करंट लायबिलिटी इन केस ऑफ कॉर्पोरेट। मतलब कंपनीज के केस में क्या होता है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है और वो प्रॉफिट क्या करती है, शेयर होल्डर को ड्यू कर देती है, तो जो प्रॉफिट ड्यू होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, और वो करंट लायबिलिटी होता है। द फेलियर टू रिकॉग्नाइज द बिजनेस एज अ सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी विच वुड मेक डिफिकल्ट टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस बिकॉज सिंस द प्राइवेट ट्रांजेक्शन वुड गेट मिक्स्ड द बिजनेस। मतलब कह रहे हैं द फेलियर, मतलब अगर आप ऐसा नहीं करते, द फेलियर टू रिकॉग्नाइज द बिजनेस एज अ सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी वुड मेक डिफिकल्ट टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस सिंस द प्राइवेट ट्रांजेक्शन वुड गेट मिक्स्ड विद द बिजनेस ट्रांजेक्शन। होगा क्या कि प्राइवेट ट्रांजेक्शन आपकी पर्सनल, अगर आप बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, प्रोप्राइटर के खर्चों को बिजनेस के खर्चों में डाल। जैसे मैंने एक बिजनेस चलाया, उसमें मैंने 50 लाख रुपए लगाए, अब मैं क्या करता हूँ, मैं बिजनेस के पैसों से ही जो भी सेल से पैसा आता है उसे अपने पर्सनल खर्चे भी रख रहा हूँ, पे कर रहा हूँ, और बिजनेस के भी पे कर रहा हूँ। तो जब अकाउंट्स बनाएगा तो क्या वो दोनों खर्चों को अलग रखेगा? यस, वो बिजनेस के खर्चों को तो अलग डील करेगा, लेकिन जो मेरे पर्सनल खर्चे हैं उनको वो खर्चा ना मान के क्या मानेगा, वो ड्राइंग्स की तरह। अगर आपने सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट नहीं लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, प्राइवेट पर्सनल ट्रांजेक्शन मिक्स हो जाएंगी और फिर मेरे खर्चे भी बिजनेस के खर्चे बन जाएंगे, और फिर होगा क्या, प्रॉफिट भाई बिजनेस की परफॉर्मेंस थोड़ी निकलेगी। बिजनेस की परफॉर्मेंस जानने के लिए मुझे बिजनेस के खर्चों की जरूरत है। तो आप देखो सबसे अच्छी लाइन यही लिखी है, द फेलियर टू रिकॉग्नाइज द बिजनेस एज अ सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी would make difficult to evaluate the performance of the business since the private transaction would get with mixed with the business transaction. जो आपकी private transaction है वो business transaction के साथ क्या होती है, mix कर देंगे, तो mixing में तो काम सही नहीं आएगा ना, business का profit अलग चाहिए, आपके personal खर्चों को हमने क्या करना है, वो अलग रखना है, mix नहीं करना, एक separate entity, एक separate person की तरह deal करना है। मतलब तो business को हम एक artificial person बोलते हैं, मतलब मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ तो बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मैं एक नेचुरल पर्सन, आई एम अ नेचुरल पर्सन, वो बिजनेस आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल पर्सन की बुक्स बनेंगी, उसी की सारी अकाउंटिंग होगी। मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं तो पैसा उधार दे रहा हूँ, ठीक है, तो बिजनेस में जो भी पैसा लगाऊंगा दोनों को अलग अलग रखना है। जब भी आप अकाउंटिंग करें तो पहले कीप इन माइंड ये बात ध्यान रखनी है कि बिजनेस अलग है, बिजनेस में अलग है। जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अकाउंट्स की, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 11th में काफी बच्चों ने पढ़ा, उन्हें तो पता भी होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं जो अभी इसमें अकाउंट्स को पहली बार पढ़ रहे हैं वो इस बात को समझ लें कि अकाउंट्स में जब भी बुक्स बनती हैं बिजनेस अलग है, बिजनेस में अलग। मतलब अंबानी ने जो पैसा लगाया हुआ रिलायंस में, क्या रिलायंस के लिए वो भी एक लाइबिलिटी है? यस रिलायंस, बट उस कैपिटल को हम कंपनी में क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। नॉर्मली हम बिजनेस जैसे सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर्स में क्या बोलते हैं, कैपिटल। कंपनी में हम इसी की लाइबिलिटी का नाम बदल के क्या करते थे, शेयर कैपिटल। लाइबिलिटी है भाई, बिजनेस में जो आप पैसा लगाओगे वो सारा का सारा क्या माना जाएगा, इट इज लाइक अ कैपिटल, आपको उधार की तरह ही डील कर। फर्स्ट कंसेप्ट ये है। सेकंड कंसेप्ट जो हमारा स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं मनी मेजरमेंट। ये कंसेप्ट मुझे क्या कह रहा है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मुझे कहता है कि बच्चे अकाउंट्स में
फिर अब हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनकी एक मनी वैल्यू होगी। अगर किसी ट्रांजेक्शन की हमारी कोई मनी वैल्यू एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो मैं उसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करूँगा। फर्स्ट कंसेप्ट जो पहला है वो तो कह रहा है एंटिटी अलग अलग, मैंने कहा ठीक है। दूसरा कंसेप्ट मुझे आके कहता है कि जब आप अकाउंट्स में ना होगे यू विल फॉलो द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मतलब वो कह रहे कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन, याद है अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग, मैंने कहा ठीक है। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स मतलब वो ट्रांजेक्शन इवेंट वो मतलब अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करता हूँ, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करूंगा जिनकी एक मनी वैल्यू होगी। अगर किसी ट्रांजेक्शन की मनी वैल्यू नहीं होती, मतलब आप एक मनी वैल्यू तो डिराइव नहीं कर पा रहे हो या फिर आप उसकी मनी वैल्यू को मतलब बनी नहीं रही उसकी, जैसे मैं बोलो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करूं, जैसे मेरे पास अच्छे एम्प्लॉई हैं, ऑनेस्ट एम्प्लॉई हैं, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई हैं, तो मैं इनको अपनी बुक्स में बैलेंस शीट में नहीं ला सकता। इसके लिए मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी मनी वैल्यू कुछ नहीं एक्सप्लेन होती, मतलब तो आपकी ऑनेस्टी की वैल्यू क्या होगा, कितने रुपए तक आप ईमानदार हो, तो ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं बनता। तो इसलिए जिनकी मनी वैल्यू डिफाइन नहीं होती अकाउंट्स में हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते। तो देखो क्या लिखा है, एज पर दिस कंसेप्ट ओनली दोस ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड, ठीक है। ट्रांजेक्शन इवेंट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मनी टर्म डू नॉट फाइंड प्लेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब उनकी बुक्स में जगह ही नहीं बनती, मतलब अकाउंट्स में जगह उन्हीं ट्रांजेक्शन इवेंट्स को मिलेगी जिनकी एक मनी वैल्यू बनेगी। अगर किसी ट्रांजेक्शन की मनी वैल्यू नहीं बन रही, किसी इवेंट की मनी वैल्यू नहीं बन रही, तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। और अब मनी भी कौन सा लेंगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मनी कौन सा, यहाँ पर आती देखो जरा, डू नॉट फाइंड प्लेस इन दी अकाउंट्स दो दे मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, चाहे वो जितनी मर्जी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन हो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स लाइक लॉकआउट डिस्प्यूट एक्सेट्रा आर नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स इवन दो दीज मे हैव अ ग्रेट इफेक्ट। आगे बात आती है जो नेक्स्ट पॉइंट में बार बार बोल रहा हूँ, मेजरिंग यूनिट। अब बात आती है मनी मेजरमेंट तो ठीक है, बट मेजरिंग यूनिट क्या होगी, मतलब आप किस में रिकॉर्ड करें, क्या मैं इंडिया में बुक्स बनाते हुए डॉलर्स में अकाउंटिंग करूंगा या मैं रुपीज में करूंगा, तो मैं रुपीज में करता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर जो अकाउंटिंग करेंसी है वो रुपीज है। तो इंडिया में जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनती है वो किस में बनती है, तो वो आप देखो क्या लिखा है, मेजरिंग यूनिट फॉर मनी इज टेकन एज द करेंसी ऑफ द रूलिंग कंट्री, द रूलिंग करेंसी ऑफ अ कंट्री प्रोवाइडेड अ कॉमन डिनोमिनेशन फॉर द वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। इट मीन्स अगर मैं फॉरन में काम करता हूँ, ऑब्वियस है मेरे कुछ सेगमेंट फॉरन में होंगे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है तो उसकी कुछ ब्रांचेस इंडिया के बाहर भी है, तो क्या वो जब इंडिया में जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उन ट्रांजेक्शन का क्या करते हैं, तो उन ट्रांजेक्शन को वो क्या करते हैं बच्चे, इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक डॉलर है तो डॉलर अगर यूएस में काम करें तो यूएस डॉलर को वो क्या कर लेते हैं, जैसे रेट सपोज करो यूएस डॉलर का रेट 70 है तो वो ट्रांजेक्शन को किसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर कोई ट्रांजेक्शन 1000 रुपए की तो 1000 × 70 उस 70,000 रुपए में इंडिया में रिकॉर्ड होता है। तो इसका मतलब मनी मेजरमेंट से मुझे दो बातें समझ आती हैं, पहला अकाउंट्स में सिर्फ मैं उन्हीं ट्रांजेक्शन की बात करूंगा जिनकी एक मनी, तो पैसे की बात करता है अकाउंट, पैसा पैसा करता है अकाउंट, सिर्फ किसकी बात करता है पैसे का, वो कहता है मनी वैल्यू बताओ हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर आप मुझे मनी वैल्यू बताओगे नहीं तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक मनी वैल्यू का होना बहुत जरूरी है, इफ देयर इज नो मनी वैल्यू मतलब अकाउंट्स कहता है हमारे लिए ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट नहीं है, वी विल नॉट रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन, हम रिकॉर्ड तभी करेंगे जब उसकी कोई मनी वैल्यू बनती है। नेक्स्ट इसके बाद है बच्चे हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, नेक्स्ट थर्ड कंसेप्ट आता है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये क्या कहता है समझ आ रहा है बच्चे, यस। अब देखो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये इसको ना फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन भी बोलते हैं, लेटर ऑन हम लोग तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन पे बात करेंगे, तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन आपके सिलेबस में, गोइंग कंसर्न सिलेबस में क्या अकाउंट्स में ही, तो गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, ये तीन फंडामेंटल क्या होती है मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी ध्यान रखना तीन फंडामेंटल अजम्पशन होती है गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, तीन अजम्पशन ध्यान रखना गोइंग कंसर्न अक्रूवल एंड कंसिस्टेंसी, ये तीन अजम्पशन जो है इनको हम फंडामेंटल अजम्पशन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये हम बाद में डिस्कस करें, अभी आपको इतना याद रखना है। हाँ जी, गोइंग कंसर्न मुझे क्या कहता है, कहता है कि भाई ये कंसेप्ट मुझे कहता है कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे, किसी भी बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बनाओगे, तो आप मान के चलोगे कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, मतलब सपोज करो मुझे किसी फर्म का अकाउंटेंट बनाएगा, एक बिजनेस मैन है वो मुझे बुलाते हैं कहते हैं आप मेरे अकाउंट्स बनाओ, तो मैं अकाउंट्स बनाने लगा,
तो जैसे अकाउंट बनाने लगा तो मेरे को पहली चीज तो ये देखनी चाहिए कि बिजनेस फॉरएवर चलेगा या फिर बंद होने वाला है। ऐसा भी तो हो सकता है आपने शॉर्ट टर्म के लिए कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, उसे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि खर्चे दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल खर्चे जो आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देते हैं, मतलब फॉरएवर, मतलब आपको 2 साल 5 साल तक जो बेनिफिट देते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, और रेवेन्यू जिनका बेनिफिट 1 साल में एग्जॉस्ट हो जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बैलेंस शीट में ले जाते हो, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ ले जाते हो, वो इनकम स्टेटमेंट में ले जाते हो, एज एक्सपेंस बुक करते हो। लेकिन अगर बात करें, ये जो मेरी क्लासिफिकेशन है, ये सपोर्ट होती है किससे, गोइंग कंसर्न से। मतलब मैं एक बिजनेस की बुक्स बना रहा हूँ तो मैं क्या मान के चलता हूँ, इफ देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, मैं अगर अगर किसी बिजनेस की बुक्स बना रहा हूँ तो मैं तो कुछ नहीं पता। वैसे भी जैसे आप बिजनेस करते हो, आपको क्या पता बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन आप स्टार्टिंग में मान के चलते हो, जब भी बुक्स बनाओगे आप ये अजम्पशन लेके चलोगे बुक्स बनाते हुए कि बिजनेस फॉरएवर चलेगा, अनलेस आपको पता ना हो। ध्यान रखना, आपको पता ना हो। अगर आपको पता है कि आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, फिर तो बात ही खत्म हो गई। जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे पता है कि मेरा 6 महीने काम है, 6 महीने के बाद मैं काम बंद कर दूंगा, फिर तो मैं ये अजम्पशन फॉलो ही नहीं कर पाऊंगा। मतलब गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब है, अगर आपको नहीं पता तो फिर आप बिजनेस की लाइफ क्या मानोगे, मतलब आपका कितने टाइम पीरियड के लिए बिजनेस की लाइफ ड्यूरेशन कंसीडर करते हो। इसका मतलब है, अगर आपको नहीं पता तो फिर आप ये अजम्पशन लेके चलते हो कि बिजनेस फॉरएवर तक चलता है। तो ध्यान रखना, मैं फिर चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गोइंग कंसर्न को रटा नहीं मानना है। गोइंग कंसर्न मतलब परपेचुटी में हमेशा चलते, हमेशा नहीं चलते। कई बच्चे बोलते हैं कि बिजनेस में हमेशा मान के चलते हैं, मान के चलते हैं अगर आपको ना पता हो। जैसे जॉइंट वेंचर एक चैप्टर आता है, जॉइंट वेंचर बोलते हैं, अब सिलेबस में नहीं है, न्यू कोर्स में नहीं है, पहले पढ़ाया जाता था। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, जॉइंट वेंचर शॉर्ट टर्म बिजनेस के लिए किया जाता है, दो लोग आपस में एसोसिएट करते हैं, तो वहां पर तो गोइंग कंसर्न असम्पशन हो ही नहीं सकती, बिकॉज वी न्यू कि भाई बिजनेस चलेगा, थोड़े टाइम के लिए चलेगा। तो जब मुझे पता है, गोइंग कंसर्न असम्पशन कहती है कि अगर आपको नहीं पता, मैंने कहा ठीक है, तब आप क्या मानोगे, लाइक 5 साल 10 साल 20 साल या फॉरएवर मानोगे, देन अकाउंटिंग से तब आप फॉरएवर मानोगे। जब आपको पता ही नहीं है कि बिजनेस कितने टाइम पीरियड के लिए चलेगा, तो आप पहले से कोई असम्पशन नहीं लगाओगे उस सर्टेन पीरियड के लिए। आप मान के चलोगे बिजनेस फॉरएवर चलेगा, फॉरएवर मतलब बिजनेस परपेचुटी में चलता रहेगा, कोई लाइफ लिमिटेड मान के नहीं चलोगे, अनलेस आपको पता ना हो। अगर आपको पता है फिर तो बात ही खत्म होगी। देखो क्या लिखा है इसमें, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द मीनिंग ऑफ गोइंग कंसर्न इज दैट एंटिटी फॉर विच अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। इट इज बिकॉज ऑफ दैट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब आप कैपिटल रेवेन्यू में जब क्लासिफिकेशन करते हो, उसका लॉजिक ही यही होता है। आप क्लासिफिकेशन करते हो, लॉजिक ही मान के चलते हो कि फॉरएवर चलेगा, इसलिए आप क्लासिफाई करते हो आपका बिजनेस। देखो मैं कह रहा हूँ, मैंने एक फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर की लाइफ 5 साल है, तो मैं क्या करता हूँ, 50,000 का फर्नीचर, 5 साल की लाइफ है, हर साल खर्चा कितना मानूंगा मैं, 10-10 हजार। ऐसे ही करते हैं अकाउंट्स में, 50,000 का फर्नीचर खरीदा, 5 साल की लाइफ है, तो हर साल मैं 10,000 का खर्चा बुक करूंगा। लेकिन अगर मेरे बिजनेस की लाइफ ही 2 साल हुई तो क्या ये मेरे कंसेप्ट को सपोर्ट कर रहा है, मैं 5 साल में डिवाइड कर पाऊंगा इस खर्चे को, नहीं। तो इसका मतलब है, आप जब अपने खर्चों की क्लासिफिकेशन करते हो इन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, तो सबसे पहले आपके जो इस क्लासिफिकेशन को जो सपोर्ट मिलती है वो गोइंग कंसर्न से मिलती है। इट मीन जब आप किसी कंपनी या बिजनेस के खर्चों को क्लासिफाई करने लगो, किसमें, कैपिटल एंड रेवेन्यू में, तो आप सबसे पहले देखो क्या बिजनेस गोइंग कंसर्न है, अगर है तो क्लासिफाई करो, अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो आप ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट है मेरा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। आप कह सकते हो गोइंग कंसर्न के पीछे पीछे अकाउंटिंग कंसेप्ट दौड़ता हुआ, कैसे, गोइंग कंसर्न मुझे क्या कह रहा है, जब आप बुक्स बनाओगे तो क्या आप बिजनेस की एक सर्टेन लाइफ मानते हो, नहीं, आप मान के चलते बिजनेस फॉर एवर चलता रहेगा, मैंने कहा ठीक है। अब बात आती है कि क्या बिजनेस की जब बुक्स बनेंगी, अकाउंटिंग बुक्स बनती है, तो क्या बिजनेस का अकाउंटिंग बुक्स करने के साथ बिजनेस का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी होता है, मतलब वो प्रॉफिट कमाता है या नहीं कमाता, तो प्रॉफिट निकलेगा कब, जब वो इंडेफिनिट पीरियड खत्म होने को आएगा, मतलब जब बिजनेस बंद होगा, तो क्या बिजनेस की परफॉर्मेंस तब निकालनी है या एक पीरियड के एंड में जाके मुझे प्रॉफिट निकालें, यस। तो अकाउंटिंग पीरियड से बिजनेस की लाइफ फॉरएवर है, लेकिन आप फिर भी क्या करो, एक पर्टिकुलर पीरियड जैसे से ओवर होता जाए, आप बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या करते रहो,
इवैल्यूएट करते रहो। मैंने कहा कैसे? कह रहे कि आप एक फाइनेंशियल ईयर या एक आप अकाउंटिंग ईयर डिसाइड करो। अकाउंटिंग ईयर कैसे होता है? जनवरी टू दिसंबर भी हो सकता है, अप्रैल टू मार्च भी हो सकता है। तो अप्रैल टू मार्च वाले को हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं और जनवरी टू दिसंबर को हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। और बोथ कैन बी, मतलब दोनों में से कोई भी आपके लिए, इधर कैन बी, आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो एज एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब आप अकाउंटिंग ईयर बना सकते हो किसी को भी। तो अकाउंटिंग ईयर बच्चे आपका 12 महीने का जनरली लिया जाता है, जिसमें आप क्या करते हो, हर 12 महीने पे क्या करते हो, आप अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस चेक करते हो। देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, सो इट इज नेसेसरी दैट द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज टू बी डिवाइडेड इनटू अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ सेगमेंट फॉर एनालाइजिंग द रिजल्ट शोन बाय द बिजनेस ईच पार्ट ऑफ सेगमेंट सो डिवाइडेड इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। मतलब बिजनेस फॉरएवर चलेगा, ठीक है, लेकिन क्या फॉरएवर प्रॉफिट कब निकालोगे? तो बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं, बिजनेस में आप ऐसा नहीं करोगे। आप बिजनेस का प्रॉफिट क्या करोगे, एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में क्या करोगे, बिजनेस का प्रॉफिट निकालोगे, बिजनेस की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करोगे। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, लास्ट में जाकर जब बिजनेस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी तब परफॉर्मेंस नहीं देखनी। तो अकाउंटिंग पीरियड सेज कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में जाके बिजनेस के परफॉर्मेंस को चेक करेंगे और वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए आप क्या करेंगे, एक डिसाइड करेंगे हर 12 महीने में। जनरली एक एक साल में हम क्या करते हैं, बिजनेस का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, सो इट इज नेसेसरी दैट द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज टू बी डिवाइडेड इनटू अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ सेगमेंट, मतलब कुछ हिस्सों में बट जाए। यस, फॉर एनालाइजिंग द रिजल्ट शोन बाय द बिजनेस ईच पार्ट ऑफ सेगमेंट सो डिवाइडेड इज नोन एज, हर पार्ट जो हिस्सा होता है, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में जो लाइफ को बांटना है, हर छोटे छोटे पार्ट में आपको परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है, इट इज एन, तो उसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। और आगे इसकी डेफिनेशन क्या लिखे, देखो, इट इज एन इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड। मतलब हर एक पीरियड के एंड पे क्या करते हो आप लाइफ पे, मतलब लाइफ तो फॉरएवर है, गोइंग कंसर्न मांग के चल रहे हो, लेकिन हर पीरियड के एंड पे क्या करोगे, आप बिजनेस का प्रॉफिट निकाल के चेक करोगे। क्लियर है? कोई भी डाउट बच्चे इस टॉपिक में? यस। नॉर्मली आगे देखो क्या लिखा है, नॉर्मली द अकाउंटिंग पीरियड कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ। जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो कितने महीने का होता है? नॉर्मली जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो आपका 12 महीने का होता है, वो 12 मंथ्स का होता है। ऐसा नहीं कि 12 महीने से ज्यादा के ले सकते। कुछ केसेस में जब आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वहां पर इन केस ऑफ न्यू कंपनीज आप 15 मंथ्स का भी ले सकते हो, 15 मंथ्स का भी फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर बन जाता है। बट आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अकाउंटिंग में 12 महीने का ही लेके चलना, ठीक है जी। तो चार कंसेप्ट, पहला क्या है, बिजनेस एंटिटी, ये मुझे क्या करना है, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। मैंने कहा ठीक है, मैं अकाउंटिंग करूंगा तो मैं मान के चलूंगा बोथ हैव द सेपरेट एंटिटी। दूसरा प्रिंसिपल मुझे गाइड कर रहा है, सिर्फ पैसे की ही बात करनी है, सिर्फ मुझे वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जिसकी एक मनी वैल्यू बनेगी। अगर किसी ट्रांजेक्शन की मनी वैल्यू नहीं बन रही तो उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। और रिकॉर्ड कैसे करोगे, मनी वैल्यू आएगी तो रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट, फिर उसके बाद है गोइंग कंसर्न। आपको मान के चलना है कि बिजनेस की लाइफ फॉरएवर है, फॉरएवर तक, जब तक आपको पता ना हो। अनलेस आपको पता ना हो आपने क्या मानना है, मतलब ऐसा नहीं मुझे नहीं पता, वन ऑफ द पर्सन सेज कि मैं तो 10 साल मान के चल रहा हूँ। मतलब आप ऐसे देखो कि अगर ये प्रिंसिपल नहीं होता तो एक पर्सन मान के चलता नहीं मैं 10 साल की लाइफ मान के चल रहा हूँ, एक कहता नहीं 15, मेरे हिसाब से तो 15 साल में बिजनेस बंद हो जाते हैं, एक कहता नहीं 20 साल में बंद हो जाते हैं। तो एक कंफ्यूजन सा क्रिएट होता है। इसलिए अकाउंटिंग से जब ना पता हो तो आप मान के चलो बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इंडेफिनिट पीरियड। एंड द नेक्स्ट इज कि इंडेफिनिट पीरियड तक तो चलेगा, बट अकाउंटिंग पीरियड से परफॉर्मेंस का क्या होगा, क्या परफॉर्मेंस में उस इंडेफिनिट पीरियड जब वो डेफिनेट खत्म होने लगेगा तब जाके चेक करूं? नो। आप क्या करो, इंडेफिनिट लाइफ को हर साल पे बांटते रहो, हर साल के एंड पे क्या करते रहो, उस परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करते रहो। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चे? नहीं आ रही, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चे, इस नेक्स्ट कंसेप्ट को बोलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। देखो फिफ्थ कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट मुझे क्या कहता है, कॉस्ट कंसेप्ट इज अवर नेक्स्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि आप जब भी बिजनेस में कोई एसेट रिकॉर्ड करोगे, अपनी बैलेंस शीट में कोई एसेट रिकॉर्ड करते हो तो उस एसेट को हमेशा कॉस्ट पर रिकॉर्ड करोगे। मतलब जो आपकी जेब से आउट ऑफ पॉकेट आपको पैसे लगे, मतलब जैसे सपोज करो एक बिल्डिंग है वो है 50 लाख, बट मैंने उसे 40 लाख में खरीदा, नो डाउट उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 50 लाख, लेकिन मैंने कितना अमाउंट पे किया, मैंने 40 लाख पे किया। तो इट सेज कि आप उसको क्या करोगे,
आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट पे। जैसे आपने शेयर्स खरीदे, आपने कंपनी के शेयर खरीदे जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए, बट आपने उसे 100 रुपए दे के खरीदा है, प्रीमियम 90 रुपीज का दे के, आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। कंपनी की बुक्स में शेयर कैपिटल है, आपकी बुक्स में वो क्या है, आपकी बुक्स में वो एज एन इन्वेस्टमेंट अपीयर करेगा। तो जब आप अपनी बुक्स में उसे रिकॉर्ड करोगे एज एन इन्वेस्टमेंट, तो आप बेसिक चीज ध्यान रखना आपने अपनी जेब से पे क्या किया। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, देखो, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट द वेरियस एसेट एक्वायर्ड बाय अ फर्म शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट। आपने एक्चुअल अमाउंट स्पेंड क्या किया है, क्या करना था, मार्केट में वो कितने का था। आप 100 रुपए की चीज 10 रुपए में लेकर आए तो आप 10 रुपए में ही रिकॉर्ड करेंगे, वो अलग बात है। कि आप इसका गेन बुक करना चाहते हो वो अलग कंसेप्ट है। कॉस्ट कंसेप्ट मुझे क्या कह रहे हैं कि जो भी अमाउंट आप अपनी जेब से पे करते हैं उस कॉस्ट पे आप एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। देखो क्या लिखा है बच्चे, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट द वेरियस एसेट एक्वायर्ड बाय अ फर्म शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट स्पेंड। ठीक है, दिस अमाउंट और कॉस्ट विल बी द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट। मतलब अगर मैं बात करूं, बाद में जितनी भी अकाउंटिंग होगी वो सारी की सारी अकाउंटिंग इसी कॉस्ट पे, मतलब आगे का डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो, बेसिकली वो सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग में क्या कह रहे हैं कि आगे डेप्रिसिएशन भी आप इसी से लगाओगे। मतलब अगर कोई एसेट 50 लाख की है बट आपने उसके लिए 40 लाख रुपीज पे किया, तो आप 40 लाख पे रिकॉर्ड करोगे और आप आगे डेप्रिसिएशन भी कैसे चार्ज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ 40 लाख करोगे, 50 लाख पे नहीं करोगे। दिस इज द कॉस्ट कंसेप्ट। अब कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या है, एक बार 40 लाख पे रिकॉर्ड कर दिया तो क्या हमेशा 40 पे करेंगे, नहीं। एक मशीन मैंने 40 लाख की खरीदी, इसकी लाइफ कितनी है, इसकी लाइफ है सपोज करो कितनी, 4 साल। तो मैं एग्जैक्ट जैसे ऐसे देता हूँ, तो क्या मुझे डेप्रिशिएट भी करना होगा, यस मुझे डेप्रिशिएट भी करना है। मैंने 40 लाख की एक मशीन खरीदी, ठीक है, और 4 इयर्स की लाइफ है, 4 इयर्स। तो पहली बार जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, फर्स्ट टाइम जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा पहली बार, जब मैं पहली बार बैलेंस शीट बनाऊंगा तो पहली बार बैलेंस शीट में मैं इसकी वैल्यू कितनी लिखूंगा, 40 लाख लिखूंगा एसेट्स में मशीन। लेकिन जब मैं ईयर टू की बैलेंस शीट बनाऊंगा, ईयर टू मतलब ईयर टू बिगनिंग में, तो फिर मैं मशीन की वैल्यू कितनी लिखूंगा, तो मेरी 40 लाख 4 साल की लाइफ है, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना बना, हर साल का डेप्रिसिएशन बना 10 लाख। तो मैं 10 लाख रुपए क्या करता जाऊंगा, मैं माइनस करूंगा और मेरे पास अगले साल वैल्यू कितनी होगी, 30 लाख। फिर उससे अगले साल कितनी वैल्यू बनेगी मशीन की, फिर उसके बाद अगली वैल्यू बनेगी 20 लाख। और लास्ट ईयर जब आएगा, मतलब फोर्थ ईयर बिगनिंग में अगर मैं बात करूँ, तो मैं बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे दिखाऊंगा, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं मशीन की वैल्यू कितनी लिखूंगा, मैं 10 लाख रुपए। तो फर्स्ट टाइम कॉस्ट और आगे की सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग जो होगी वो भी इसी पर बेस्ड होगी, इसी के अकॉर्डिंग आगे मैं सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग करता हूँ। देखो क्या लिखा है बच्चे, एक बार और पढ़ते हैं इस बात को। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट द वेरियस एसेट एक्वायर्ड बाय अ फर्म शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट स्पेंड। मतलब आपने एक्चुअल में पैसा खर्च कितना किया पहले तो आप वो देखो, ठीक है। दिस अमाउंट ऑफ कॉस्ट विल बी द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट। द कॉस्ट कंसेप्ट डज नॉट मीन दैट एसेट विल ऑलवेज बी शोन एट कॉस्ट, हमेशा कॉस्ट पे नहीं दिखानी। द फिक्स्ड एसेट विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज, बट इट मे सिस्टमैटिकली। अब ये सिस्टमैटिकली क्या होता है, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बी रिड्यूस बाय इट्स वैल्यू बाय चार्जिंग डिप्रिसिएशन, दीज एसेट अल्टीमेटली डिसअपीयर फ्रॉम द बैलेंस शीट and when the economic life is over and they have been fully depreciated. Market value of an asset may change with the passage of time, but for accounting purpose, it continues to be shown in the books of account at its book value. मतलब market value क्या है? Accounting से machine की value घट रही है बढ़ रही है? मतलब मैंने computer buy किया, 40,000 का computer लिया, 4 साल computer चलेगा, पहले साल मैंने उसे किस पे record किया, 40,000 रुपए पे, 40,000 का मैंने एक computer खरीदा और वो 40,000 का कंप्यूटर खरीदा, 40,000 का कंप्यूटर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4 सालों में डिप्रिशिएट कर रहा हूँ। तो पहले साल कंप्यूटर की वैल्यू 40,000 होगी, फिर 30,000 होगी, फिर 20,000 होगी, एंड देन फिर कितनी आ जाएगी, फिर 10,000 होगी। तो ऐसे मैं सिस्टमैटिकली रिड्यूस करता जाऊंगा। हो सकता है 2 साल बाद जो मैं कंप्यूटर 20,000 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी मार्केट वैल्यू 10,000 भी ना हो, लेकिन मुझे मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करना, मुझे किस पे रिकॉर्ड करना है, मुझे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है एंड सिस्टमैटिकली रिड्यूस कर देना। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कह रहा है, एसेट जब भी रिकॉर्ड होगी तो वो किस पर होगी, एट कॉस्ट पर होगी, और आगे वाली जो भी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग होगी वो इसी कॉस्ट के अकॉर्डिंग चलेगी। इज दैट क्लियर? यस। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये थोड़ा सा अलग है, या पहली बार पढ़ रहे हैं। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है, इट क्लोजली फॉलोज द कॉस्ट कंसेप्ट। यस, कह रहा है एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द एसेट व्हेन द बिजनेस रियलाइजेस। मतलब
रहे अगर एसिड की वैल्यू चेंज होती है मतलब बढ़ती है घटती है, कह रहे कि व्हेन मतलब जब आपकी उसको कब रिकॉर्ड करना है, एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइजेस इट। मतलब अगर आपकी बिल्डिंग 5 लाख की आपने खरीदी थी, आपने 5 लाख में रिकॉर्ड करी है, लेकिन इसकी वैल्यू 10 लाख हो गई है, तो इसको 10 लाख का रिकॉर्ड उसी दिन करना है जब ये रियलाइज हो जाए। रियलाइज हो जाए मतलब जिस दिन आप इसका सेल एग्रीमेंट कर दे, अब आपको ये 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, मतलब नो डाउट कि आपका पैसा आने में कोई देरी है, आपको कन्फर्म है पैसा मिल जाएगा। जब वो अमाउंट रियलाइज हो जाए मतलब 5 की वैल्यू 10 हो जाए, तो वो जो जब 10 5 एक्स्ट्रा मिलने हैं जिसकी कंफर्मेशन आ जाए तभी रिकॉर्ड करनी चाहिए, अदरवाइज वो रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। मतलब चेंज इन वैल्यू जो होगा वो तभी रिकॉर्ड होगा जब वो कंफर्म हो जाए। कह रहा व्हेन एन एसेट इज रिकॉर्डेड एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ 5 लाख, ठीक है, इवन इट्स करंट कॉस्ट, जबकि इसकी करंट कॉस्ट 15 लाख रुपए है, सच चेंज कुड नॉट बी काउंटेड अनलेस देयर इज सर्टेनिटी दैट सच चेंज विल बी मेटलाइज, आपको इस चेंज के पैसे मिलेंगे, ठीक है। आगे हाउएवर क्या लिखा है देखो, हाउएवर द अकाउंटेंट फॉलो द मोर कंजर्वेटिव पाथ, जनरली अकाउंट्स में कंजर्वेटिज्म भी एक प्रिंसिपल फॉलो होता है कि दे ट्राई टू कवर ऑल प्रोबेबल लॉसेस, मतलब बट डू नॉट काउंट एनी प्रोबेबल गेन। That is to say, if the accountant anticipate decrease in the value, they count it. But if there is increase in value, they ignore it until it realizes. Economics are highly critical about the realization. मतलब realization पे आप क्या कह रहे हो? Realization concept में आप कह रहे हो कि कोई भी asset की value तब तक change in asset value of asset तब तक नहीं count करेंगे जब तक वो change आ नहीं जाता, मतलब confirm नहीं हो जाता। तो अगर मैं बोलूँ building की value 10 लाख की खरीदी, 10 से 15 हो जाए, तो हम conservatism बोलते हैं नहीं, expected profit नहीं book करना। तो दो प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो इसलिए जो रियलाइजेशन कंसेप्ट है इसको हाईली क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप बोलते हो कि नहीं जब तक चेंज इन वैल्यू कंफर्म नहीं होगा तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन आप कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हो तो डिक्रीज को तो बुक कर लेते हो पहले ही और इंक्रीज के लिए वेट करते हो। तो रियलाइजेशन और कंजर्वेटिज्म जो आप आगे पढ़ोगे इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है, थोड़ा सा झगड़ा आ रहा है, इसलिए इसको हाईली क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप इंक्रीज के टाइम पे कुछ और बोलते हैं, डिक्रीज के टाइम पे कुछ और बोलते हैं, जबकि रियलाइजेशन तो क्या कह रहा है कि चेंज तब तक रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक वो रियलाइज ना हो जाए, तो इसका मतलब डिक्रीज को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, तो इसलिए थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए रियलाइजेशन को क्या किया जाता है। बट रियलाइजेशन का क्रक्स ये है, जब तक वो कन्फर्म नहीं होता, डिक्रीज कन्फर्म नहीं होता, इंक्रीज कन्फर्म नहीं होता, तब तक हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो मेटलाइज नहीं होता, जब तक हमें वो नुकसान बियर नहीं करना पड़ता तब तक हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग के दो तरीके होते थे, एक सिंगल एंट्री सिस्टम जो पुराना चलता था, देन मॉडर्न सिस्टम अकाउंटिंग जो लुका पेसियोली डेवलप किया, जिसने कि डबल एंट्री सिस्टम चलता है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, अकाउंटिंग के डुअल एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं, मतलब तो जब भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट आप जिसको बोलते हो, डेबिट एंड क्रेडिट, देर आर टू एस्पेक्ट, मतलब एज पर डबल एंट्री सिस्टम हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू है, एक को डेबिट बोलते हैं एक को हम क्रेडिट बोलते हैं। तो देखो जरा क्या लिखा है, दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग। According to this concept, every transaction entered into by an enterprise has two aspects. If transaction has taken place or event has occurred, it is bound to have two aspects. One entry consists of debit to one or more account, and the another entry consists of credit to some other one or more account. However, the total amount debited is equal to total amount credited. This is called dual aspect. So, the account में कुछ भी record होगा, कोई भी transaction event record होगी, तो उसके दोनों aspect record होंगे। सिंगल एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होता, इन सिंगल एंट्री हम सिंगल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते थे, बट इन नाउ करंट डेज जो भी रिकॉर्डिंग होती है इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री, इसलिए डबल चलेगा। तो इसलिए जब डबल चलता है, इसलिए कहते हैं बिजनेस में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है। डेबिट सारी एसेट्स को बोलते हैं, मतलब टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल क्लेम, मतलब बिजनेस के बाद जितनी टोटल एसेट्स होती है इट इज इक्वल टू टोटल क्लेम, मतलब जो बिजनेस में लेने वाले होते हैं। और इसी को अगर बोलूं टोटल क्लेम में एक क्लेम आउटसाइडर्स का होता है, एक क्लेम ऑनर का होता है, तो ऑनर क्लेम प्लस आउटसाइडर क्लेम, इसलिए टोटल एसेट इज इक्वल टू ऑनर क्लेम को हम क्या बोलते हैं, मतलब एक बिजनेस के पास जितनी एसेट्स होती हैं, जितना उसके पास प्रॉपर्टी होती है, उतना पैसे उसने किसी को देना ही होता है। अब ये पैसा उसने जो देना होता है, मतलब एक बिजनेस की एसेट पे जो क्लेम बनता है, कुछ इंटरनल क्लेम बनते हैं कुछ आउटसाइडर क्लेम बनते हैं। तो इंटरनल क्लेम तो कैपिटल होती है, मतलब प्रोप्राइटर का क्लेम होता है, और आउटसाइडर क्लेम मतलब जो बाहर वालों का क्लेम होता है। तो दोनों क्लेम्स का समी किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू टोटल क्लेम्स। तो इसलिए बोलते हैं कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट को हम जनरली टोटल एसेट्स की फॉर्म में बोलते हैं। एक बिजनेस के साथ फाइनली जो लास्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, ये अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनता है, आप पढ़ते हो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हो इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री। अगर आप डबल एंट्री नहीं करोगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी नहीं बनता। ध्यान रखना बिजनेस में डबल इफेक्ट होगा, जैसे
मैंने एक मशीन खरीदी तो उसका डुअल एस्पेक्ट क्या होगा, मशीन बढ़ जाएगी कैश घट जाएगा। मैंने गुड्स बेचे कैश बेचे तो क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा गुड्स घट जाएंगे, ऐसे ही होगा। और अगर प्रॉफिट मैंने जनरेट किया तो कैपिटल भी बढ़ जाएगी। मैंने लोन लिया, लोन लेने से क्या होगा, कैश बढ़ेगा साथ साथ मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। लेटर ऑन हम चैप्टर पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, वो सारा वो डबल एंट्री बेस्ड होता है। अब बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो डबल एंट्री पर बेस्ड होके होती है, डबल एंट्री, डुअल एस्पेक्ट चलता है, आप ध्यान रखना। अकाउंट्स में हम डुअल एस्पेक्ट बेस्ड होके ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट है अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है, हमने अकाउंटिंग की बच्चे डेफिनेशन पढ़ी थी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइज। तो अकाउंटिंग बिगिंस विद द रिकॉर्डिंग, मतलब अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, जब हम अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब प्रॉब्लम यह आती है कि रिकॉर्डिंग मुझे किस स्टेज पे करनी है, मतलब मुझे इवेंट और ट्रांजेक्शन, जब भी मुझे किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो मुझे उसे रिकॉर्ड करना कब है, जिस दिन वो ट्रांजेक्शन होती है या जिस दिन ट्रांजेक्शन रियलाइज होती है। सपोज करो आपको मैंने गुड्स बेचे कब, 25 मार्च को गुड्स बेचे और आपने मेरी पेमेंट 1 अप्रैल को कराई, ठीक है, तो क्या मैं ट्रांजेक्शन 25 मार्च को करूंगा या मैं 1 अप्रैल को करूंगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो कर रहा हूँ, अगर मेरी अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पर है, देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक को बोलते हैं कैश बेसिस, दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल तो कहता है ट्रांजेक्शन जिस दिन एंटर होगी हम उसी दिन रिकॉर्ड करते हैं, वी विल नॉट वेट फॉर द रियलाइजेशन, मतलब कैश आएगा तब उस दिन रिकॉर्ड करेंगे, नो, हम ट्रांजेक्शन उसी दिन रिकॉर्ड कर देंगे जिस दिन ट्रांजेक्शन होती है, जिस दिन हम ट्रांजेक्शन एंटर करते हैं। द अक्रूवल कंसेप्ट सेज हम उसी दिन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे जिस दिन ट्रांजेक्शन एंटर हो रही है, दिस इज द अक्रूवल कंसेप्ट। नेक्स्ट वन उसका होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस में क्या होता है, ट्रांजेक्शन को हम उसी दिन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जिस दिन कैश या तो आ जाता है या कैश चला जाता है, दिस इज कॉल्ड कैश बेसिस। द अक्रूवल कंसेप्ट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इज रिकॉर्डेड एट द टाइम व्हेन इट टेक प्लेस, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। मतलब हम उस दिन का इंतजार नहीं करते जिस दिन सेटलमेंट होती है, हम उसी दिन रिकॉर्ड कर देते हैं जिस दिन ट्रांजेक्शन एंटर होती है। द कंसेप्ट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिकॉग्नाइज द एसेट लाइबिलिटी इनकम एंड एक्सपेंसेस एज इन व्हेन ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इट आर एंटर्ड इनटू। दिस कंसेप्ट इंप्लाइज दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड बी मेजर्ड एज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस रादर देन डिफरेंस बिटवीन कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड। मतलब अगर आप अक्रूवल कंसेप्ट, और ये भी फंडामेंटल अजम्पशन के ध्यान रखना, दो मैंने तीन बताई थी, तीन फंडामेंटल अजम्पशन बताई थी, कौन कौन सी, नंबर वन आपकी गोइंग कंसर्न, सेकंड वन इज योर अक्रूवल एंड द थर्ड वन इज कंसिस्टेंसी, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे कि फंडामेंटल क्यों बोलते हैं। अभी ध्यान रखना तीन फंडामेंटल होती है। तो अक्रूवल क्या कर रहा है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कब करना है, मेरा ट्रिगर पॉइंट क्या होगा, कब मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन को लेकर आना है, क्या मुझे उस दिन का इंतजार करना है जिस दिन मेरे पास पैसे आ जाएंगे या चले जाएंगे, या जिस दिन मैं ट्रांजेक्शन एंटर करता हूँ क्या मैं उसी दिन रिकॉर्ड कर दूंगा। तो कब रिकॉर्ड करें, व्हाट इज द डे, व्हाट इज द टाइमिंग, टाइमिंग क्या होगी, किस टाइम पे मुझे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो टाइमिंग क्या होगी, जिस दिन मैं ट्रांजेक्शन एंटर करता हूँ, जिस दिन बच्चे मैं ट्रांजेक्शन एंटर करूंगा मैं उसी दिन रिकॉर्ड कर दूंगा। आई विल नॉट वेट फॉर द रियलाइजेशन, ठीक है, मैं पैसे आने जाने का वेट नहीं करूंगा। अगर एक बिजनेस, वैसे तो आपको बताऊं देयर आर टू बेसिस, क्योंकि कैश बेसिस पे भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो, बट अगर आप अक्रूवल को फॉलो करते हो तो फिर आप वेट नहीं करोगे। अगर आप कैश बेसिस को फॉलो करते हो फिर आपका ट्रिगर पॉइंट होगा जिस दिन पैसे आएंगे या जाएंगे। मतलब मैं सेल को रिकॉर्ड उस दिन करूंगा जिस दिन आप मेरे सेल के पैसे दे दोगे, और परचेज को मैं उस दिन रिकॉर्ड करूंगा जिस दिन मैं परचेज के पैसे दे दूंगा। तो अगर मैं कैश बेसिस पे कर रहा हूं तो फिर तो मैं ट्रांजेक्शन के लिए रियलाइजेशन, मतलब पेमेंट और रिसिप्ट, अगर आप कैश बेसिस करते हो तो फिर तो वही कंसेप्ट। बट अगर आप अक्रूवल फॉलो करते हो, और इन जनरल अगर कुछ नहीं पता हो तो हम अक्रूवल फॉलो ही करते हैं, एंड द मोस्ट ऑफ द केसेस अक्रूवल पे ही बिजनेस की ट्रांजेक्शन क्या होती है, रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चे, इसके बाद मेरे आठ कंसेप्ट, नो वन, नेक्स्ट कंसेप्ट है मैचिंग। मैचिंग क्या कहता है बच्चे, देखो मैचिंग कंसेप्ट क्या कह रहा है, मैचिंग कंसेप्ट की बात करते हैं। मैचिंग कंसेप्ट क्या कह रहा है, कह रहा था कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ठीक है बच्चे। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द सेम पीरियड। मतलब जब हम एक बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक साइड रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, एक साइड हम क्या करते हैं, हम खर्च रिकॉर्ड। जैसे आप फाइनल अकाउंट्स बनाते थे उसमें लिखते हैं ना फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2018 या 2019,
तो उस टाइम पे हमें लगता था कि ईयर लिखने से क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप अकाउंटिंग पीरियड कोट करते हो तो उस पीरियड में आप क्या करते हैं, आप उसी साल की रेवेन्यू लेते हो तो आपको खर्चा भी उस साल का है। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, हम एक साल के पीरियड की बुक्स बनाते हैं, और जब हम उस साल का प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं बेसिकली, तो हम जो रेवेन्यू बुक करते हैं उस रेवेन्यू को अर्न करने में जितने हमने खर्चे किए हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड करते हैं। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या कह रहा है, दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच, उनकी मैचिंग होती है। मतलब जब मैं ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाऊंगा तो यहाँ मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, तो यहाँ मैं वो खर्चे रिकॉर्ड करूंगा जो इस रेवेन्यू को कमाने में हुए। अगर कोई खर्चा इस रेवेन्यू को कमाने में नहीं लगा तो उसे मैं इस साल का खर्चा, जैसे मैं ऐसे बोलूं मैंने रेंट देना था, मैंने रेंट है सपोज करो 1 साल का 10 लाख रुपए रेंट है, मैंने 2 साल का रेंट दे दिया, लेकिन इस रेवेन्यू को कमाने में अभी तो 1 ही साल का रेंट लगा ना, अगले साल के रेंट से तो अगले साल रेवेन्यू आएगी जो मैंने रेंट एडवांस में दिया हुआ है। तो इसलिए आप प्रीपेड रेंट को आप छोड़ देंगे, प्रीपेड रेंट को आप अगले साल लेंगे ड्यू टू द मैचिंग कंसेप्ट। और क्लोजिंग स्टॉक आप ट्रायल बैलेंस में क्यों दिखाते हो, वो भी मैचिंग कंसेप्ट की वजह से दिखाते हो। आज आपके लिए एक न्यू चीज है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस मतलब बैलेंस जो पीएनएल में आप दिखाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में इसलिए दिखाते हो क्योंकि परचेज की कॉस्ट आप उतनी ही मैच कराओगे सेल से। जैसे मैंने 10 लाख का माल खरीदा, 10 लाख का माल खरीद के मैंने 12 लाख में बेच दिया, लेकिन 10 लाख का सारा नहीं बेचा, खरीदा 10 का था, उसमें से 2 लाख का बच गया, तो इसका मतलब मुझे जो रेवेन्यू से खर्चा परचेज मैच करानी है वो तो 8 लाख की करानी है ना, 2 लाख की तो क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो क्रेडिट में आता है दिस इज ड्यू टू मैचिंग कंसर्न, क्योंकि आपको उतनी ही कॉस्ट मैच करानी है जितनी आपकी रेवेन्यू जनरेट करने में लगी है। तो इसका मतलब अगर कोई कॉस्ट रेवेन्यू को जनरेट करने में नहीं लगी या जो पिछले साल से रिलेटेड है उससे हम इस साल से मैच नहीं कराते। देखो क्या लिखा है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज देन एक्सपेंस रिलेटेड टू अर्न दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज। कह रहा है कि अगर आप कोई रेवेन्यू बुक करते हो तो आप उस खर्चे को भी बुक करोगे जो उस रेवेन्यू को कमाने में आए। मतलब जब भी आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो सबसे पहले तो आप बुक करो रेवेन्यू, मतलब जो आपने कमाया, कमाई बुक करो, फिर कमाई से वो खर्चा रिलेट करो जो इस कमाई को लाने में लगा, तो दोनों का फिर डिफरेंस निकालो, फाइनली आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपको मैचिंग करानी है, वन जैसे रिलेशन बनाते ना पास में, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते थे, तो रेवेन्यू खर्चा और बट रिलेटेड होना चाहिए, किसी से अलग नहीं होना चाहिए। अगर किसी साल का रेवेन्यू नहीं, मतलब अगर कोई खर्चा इस साल की रेवेन्यू से रिलेट ही नहीं करता तो उसका रिलेशन नहीं बनाएंगे, उसे जिस साल की रेवेन्यू से वो रिलेट करता है उसे उसी साल का खर्चा बुक करेंगे। ठीक है जी, देखो द टर्म मैचिंग मीन्स अप्रोप्रिएट एसोसिएशन ऑफ रिलेटेड रेवेन्यू एक्सपेंस, जो मैंने अभी बात बताई बिल्कुल सेम है। अकॉर्डिंग टू दिस एडजस्टमेंट शुड बी मेड फॉर ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अक्रूअल इनकम प्रीपेड एक्सपेंस एंड अर्नड इनकम एटसेट्रा व्हाइल प्रिपेयरिंग थे। तो आप जो एडजस्टमेंट करते हो वो आउटस्टैंडिंग की प्रीपेड की, दिस इज ड्यू टू दिस कंसेप्ट, इसलिए आप प्रीपेड को माइनस करते हो बिकॉज इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, और आप जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होता है उसे भी नहीं लेते, बट हाँ इस साल का आउटस्टैंडिंग आप लेते हो बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग खर्चा रिकॉर्ड करते ना, क्यों, क्योंकि वो इस साल की रेवेन्यू से रिलेटेड होता है इसलिए उसे रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मजेदार है, अक्रूवल से थोड़ा अलग है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि अगर मैं माल बेच रहा हूँ या मैं सर्विसेज एंटर करता हूँ तो ऑब्वियस है जो रिटर्न में मुझे जो कंसिडरेशन मिलता है दिस इज रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेलिंग अ गुड और प्रोवाइडिंग सर्विस, आप सर्विस देते हैं किसी को या फिर आप गुड्स बेचते हैं तो उसके बदले जो आपको पैसा मिलता है उसी को हम रेवेन्यू बोलते हैं। बट रेवेन्यू को बुक कब किया जाए, बुक कब करना है, मतलब मुझे कब रेवेन्यू को मानना चाहिए कि रेवेन्यू मेरा कन्फर्म हो गया। जैसे मैंने आपको सर्विस देनी है, अभी अभी सर्विस दी नहीं है बट पैसे मेरे पास आ चुके हैं, तो क्या मैं मान लूं ये मेरी रेवेन्यू मेरी होगी, क्या मैंने रेवेन्यू कमा ली, आंसर इज नो, क्योंकि अभी तो मैंने सर्विस ही नहीं दी। तो सर्विस के केस में कहा जाता है बच्चे कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपकी सर्विस के अगेंस्ट अगर आपको पैसा मिल रहा है, लेट्स से कि मैं एक कंपनी के ऑडिट्स की पैसे मैं पहले ही ले लेता हूँ और मैं उसकी ऑडिट सर्विसेज अगले साल में जाके करता हूँ, तो मुझे उस रेवेन्यू को भी कब का मानना चाहिए, अगले साल ही मानना चाहिए, इस साल में उसे रेवेन्यू, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर रेवेन्यू को कब बुक करता है, जब वो सर्विसेज दे देता है। और गुड्स के केस में अगर आप गुड्स के सेलर हैं तो आपको रेवेन्यू कब बुक करनी चाहिए, कहते हैं इफ यू आर द सेलर ऑफ गुड्स आपको रेवेन्यू कब बुक करना चाहिए, जिस दिन गुड्स की ऑनरशिप उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड आप शिफ्ट कर देते हो, मतलब जिस दिन बिल कट गया, जैसे आप मेरी दुकान पर आए आपने गुड्स ले लिया लेकिन अभी बिल नहीं कटा, इनवॉइस 4 दिन बाद कटा, तो 4 दिन बाद ही आप उसको रेवेन्यू बुक करें। मतलब गुड्स के केस में रेवेन्यू को कब कंफर्म मानना चाहिए,
जब गुड से रिलेटेड सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड आपने दूसरे को दे दी, मतलब ऑनरशिप जब दूसरे को चली गई तो सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड चले गए। तो जब रिस्क एंड रिवॉर्ड दूसरे की तरफ चले जाते हैं वो उसी दिन होता है जब ऑनरशिप टाइटल ट्रांसफर हो जाता है। तो इसका मतलब है अगर आप गुड्स के सेलर हैं और आपको अपने गुड्स के बदले पैसा मिलता है तो जिस दिन इनवॉइस कटती है उसी दिन आपके गुड्स की ऑनरशिप शिफ्ट हो जाती है, उसी दिन आपको क्या करना चाहिए, रेवेन्यू बुक करना चाहिए। और आप अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो अगर आपको सर्विस रेंडर कर दी है तभी आपको रेवेन्यू बुक करनी चाहिए, जब तक सर्विस रेंडर ना की जाए। बट हाँ, सर्विस बहुत बड़ी हो, बहुत लंबी सर्विस, आपको 4 साल का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, तो फिर आप क्या करो, 4 साल की रेवेन्यू को जैसे जैसे आप सर्विस कंप्लीट करते जाओ वैसे वैसे आप रेवेन्यू बुक करते जाओ। बट कुछ केसेस में ना, मैं आपको तो रेवेन्यू, लाइक मेरा फाइनेंस का काम है, इंटरेस्ट मिलता है मुझे, तो इंटरेस्ट मुझे टाइम बेसिस पे बुक करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ कंपनियों में और मुझे डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड कब कंफर्म होता है, जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर दिया। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से रेवेन्यू बुक करना चाहिए। जैसे मैं गुड्स का सेलर हूँ तो गुड्स के वाले के केस में क्या करना चाहिए, जिस दिन आप रिस्क एंड रिवॉर्ड शिफ्ट करते हो, जैसे क्या लिखा हो, देखो, द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट इज मेनली कंसर्न विद द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट द रेवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू एंड द राइट टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। मतलब आपकी ट्रांजेक्शन हो गई है, मतलब आपने गुड्स बेच दिए हैं, ऑनरशिप चली गई है और आपको पैसे मिल जाएंगे या मिलने वाले, ठीक है, मिल गए तो भी ठीक है। इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द ऑनरशिप एंड रिस्क हैव बीन ट्रांसफर्ड। तो बेसिक मैं आपको क्रक्स बताऊं, ऑनरशिप शिफ्ट हो गया तो रिस्क रिवॉर्ड चलेंगे, अब रेवेन्यू कन्फर्म हो गया, बुक कर लो। आप मुझे पैसे देंगे लेकिन अभी तक गुड्स नहीं लिए, तो एडवांस के केस में मैं क्या करूंगा, आप एक मतलब मुझे ऑर्डर देते हैं उसमें आप मुझे 10 लाख का एडवांस देते हैं, हो सकता है बाद में किसी की वजह से वो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, तो मुझे उस रेवेन्यू को बुक नहीं करना चाहिए। मुझे रेवेन्यू को बुक तभी करना चाहिए जब वो रेवेन्यू कंफर्म हो जाए, जब मेरे पास कंफर्मेशन आ चुकी है कि वो रेवेन्यू मेरा है। और मेरा रेवेन्यू कब होगा, गुड्स के केस में आपको बताऊं, सिंपल, गुड सेलर ऑनरशिप चलेगी तभी आपका रेवेन्यू कन्फर्म होता है। सर्विस के केस में जब आपने सर्विस दे दी है तभी रेवेन्यू कन्फर्म होता है। जैसे मैंने आपसे बैच की फीस ले ली, मैंने आपको अभी कोर्स पूरा नहीं कराया, इसका मतलब है मेरी अभी रेवेन्यू कंफर्म नहीं हुई। मतलब मेरी रेवेन्यू कंफर्म कब होगी, जब मेरी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। तो जिस दिन मैं सर्विस कंप्लीट कर दूंगा मेरी रेवेन्यू का कंफर्मेशन हो जाता है और मुझे उसमें रेवेन्यू को कंफर्म मानना चाहिए, ठीक है जी। और मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया, यहाँ पर नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा बताया, इंटरेस्ट के केस में आपको टाइम के हिसाब से, जैसे 4 महीने का इंटरेस्ट अगर आपने अक्रू कर लिया तो इनकम बुक कर लो, लेकिन डिविडेंड के केस में आप ऐसा ना करें। डिविडेंड के केस में आप इनकम तभी बुक करें जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करते हैं, जब कंपनी आपको डिविडेंड दे देती है, देन आप तब डिविडेंड को एज एन इनकम बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ये बहुत अच्छा है कि अकाउंट्स हम बनाते क्यों हैं, हम यूजर्स को बताने के लिए। अब यूजर्स को जब आप बताओगे अपनी बुक्स के थ्रू, आप बुक्स के थ्रू मतलब बैलेंस शीट या फिर आप ट्रेडिंग इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनके थ्रू आप अपने यूजर्स को बताते हो। जब आप अपने यूजर्स को अपने बिजनेस के बारे में बताते हो तो क्या आपको नहीं लगता आपको फुल्ली डिस्क्लोज करना चाहिए, बिजनेस के बारे में कुछ छुपाना नहीं चाहिए। तो अकाउंटिंग ये कंसेप्ट यही कहता है कि भी कन्वेंशन कह रहा था, फुल कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर होल्ड दैट देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम दी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। मतलब जो लीगली रिक्वायर्ड है वो तो दिखाओ, बट अपार्ट फ्रॉम जो लीगली रिक्वायर्ड नहीं है बट आपको लगता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर को ये बात बता देनी चाहिए थी, विच इज गुड फॉर द मतलब यूजर, मतलब उसको अच्छा डिसीजन ले सकता था वो, तो वो आपको छुपानी नहीं चाहिए। उसका मतलब है क्योंकि आप देखो, आप जब बैंक से लोन लेने जाते हो और आप बैंक को ये नहीं बताते कि हमारे अगेंस्ट केस चल रहा है जिसमें हमें पैसे मतलब एक डैमेज के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन आपकी तरफ से पे होगा, अगर आप ये बैंक को बता देते तो क्या आपका बैंक का डिसीजन बदल सकता था? यस, तो आपको बताना चाहिए था। तो अकाउंटिंग सेज कि आपको फुल्ली डिस्क्लोज करना चाहिए जब भी आप यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कंप्लीट एंड मतलब आप ऐसे कह सकते हैं फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए अबाउट द बिजनेस ट्रांजेक्शन। कह रहे अपार्ट फ्रॉम द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मतलब आप एक बात बताओ, जो लीगली रिक्वायर्ड है वो तो आप बताओगे, तो उसमें क्या अच्छा हुआ? अच्छा तो तब है जो आप वो भी बताओ जो लीगली रिक्वायर्ड नहीं है, तब माना जाता है कि आपकी अकाउंटिंग बहुत बेहतर है, आपकी अकाउंटिंग बहुत साउंड है। तो इसमें क्या लिखा हुआ बच्चे, कह रहा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस ऑल्सो डिमांड दैट ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी फुल्ली एंड फेयरली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर इंप्लाइज दैट नथिंग शुड बी ऑमिटेड, while principle of fair disclosure implies that all transactions recorded should be accounted in a manner that financial statement purport the true and fair view
अब बात एक बात द ट्रू एंड फेयर व्यू तभी दिखेगा जब आप सब बताओगे, जब सारी डिटेल्स आप बिजनेस के बारे में बताते हो, वी विल एज्यूम दैट कि आपने ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग की है। अगर आप बिजनेस की रिपोर्टिंग करते हुए कुछ चीजें छुपाते हैं, और आपने पढ़ा विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग में क्या करते हैं, हम बिजनेस के बारे में गलत गलत बताते हैं, सही चीजें जो अच्छे चीजें वो तो बता देते हैं, जो बिजनेस की खराब चीजें हैं वो नहीं बताते। गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ये कहते हैं कि आपको सब अच्छा बताना चाहिए, बट ऑनेस्टली बताऊं ऐसा होता नहीं, मतलब फेयर अकाउंटिंग होती नहीं। लोग क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को छुपाते हैं, अच्छी चीजें तो बिजनेस की बता देते हैं और खराब चीजें और वो बाद में पता चलती हैं जब बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो फेयर अकाउंटिंग मैं बोलूंगा कि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, बहुत कम होता है, बट आप एज एन अकाउंटेंट जब बनो आप कोशिश करें कि आपकी अकाउंटिंग फेयर हो। लोग ट्रस्ट कर चुके हैं क्योंकि कंपनी में जो पैसा लगता है वो सीए जो रिपोर्ट्स करते हैं उनके बेसिस पे लगता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी अकाउंटिंग क्या हो, फेयर हो। फेयर अकाउंटिंग तभी होती है जब आप बायज नहीं हो। मैं आपको बताऊँ, अगर आप बायजनेस होगी, बायज होगी किसी के फेवर में, तो फिर आपकी अकाउंटिंग फेयर नहीं हो सकती। और इन जनरल अकाउंटेंट कंपनी के लिए बायज हो जाते हैं और फिर वो अकाउंटिंग फेयर नहीं मानते। फुल डिस्क्लोजर, मतलब आप कह सकते हो फुल डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है। अगर फुल डिस्क्लोजर होगा तो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी, ठीक है। बट फुल डिस्क्लोजर का अब आप ऐसे देखो, फुल डिस्क्लोजर मुझे क्या कह रहा है कि आपको सारी चीजें बतानी है, बट क्या छोटी छोटी चीजें बतानी है, हर छोटी छोटी बात बताओ जिससे आपके डिसीजन पे कोई इम्पैक्ट ही ना पड़ता हो। फुल डिस्क्लोजर तो कह रहा है सेम। तो आप देखो मटेरियलिटी कंसेप्ट फुल डिस्क्लोजर के स्कोप को थोड़ा सा कम करता है। फुल डिस्क्लोजर से सब बताना है, बट मटेरियलिटी क्या कहती है, मटेरियलिटी कहती है वो बताना है जो मटीरियल। अकाउंट्स में मटेरियल का मतलब होता है द इन्फॉर्मेशन विच इज सिग्निफिकेंट विच कैन चेंज द डिसीजन ऑफ यूजर। मतलब अकाउंटिंग में ये कहा जाता है कि आपको फुल्ली डिस्क्लोज करना चाहिए, आपको सारी बातें पूरी पूरी बतानी चाहिए, बट क्या कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो काम की नहीं है, छोटी छोटी, क्या वो भी दिखाएं? कह रहे नहीं वो मत दिखाना, क्योंकि अगर आप बैलेंस शीट में हर चीज दिखाओगे तो बैलेंस शीट बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत खराब सी दिखेगी। मैं बैलेंस शीट में 10-10 रुपए के स्टॉक दिखा रहा हूँ ये नहीं है, मतलब मेरे पास 100 रुपए की स्टेशनरी बची है तो मैं नहीं दिखाना चाहता क्योंकि मेरे लिए 100 रुपए की आइटम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मटेरियलिटी से कह रहा दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है। फुल डिस्क्लोजर से सब बताओ, लेकिन मटेरियलिटी से वो बताओ जो इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजों को छोड़ दो, रीजन क्योंकि छोटी छोटी चीजें सब दिखाओगे तो बैलेंस शीट बहुत खराब सी लगेगी, बहुत भद्दी सी लगेगी। आपको बैलेंस शीट बिल्कुल प्रिसाइज वे में बनानी है तो छोटी छोटी चीजों को अब मटेरियलिटी क्या होती है समझना है। कह रहा है दिस इज दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी कंसेप्ट ऑल द आइटम्स हैविंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनी इनसिग्निफिकेंट आइटम विच ओनली इंक्रीज द वर्क ऑफ अकाउंटेंट। खाली काम बढ़ रहा है, जरूरत नहीं थी इसकी, विल नॉट रेलिवेंट टू द यूजर, शुड नॉट बी डिस्क्लोज, उसको नहीं दिखाना चाहिए। द टर्म मटेरियलिटी इज सब्जेक्टिव, मतलब मटेरियलिटी अब इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब मैं ऐसे बोलूं एक बिजनेस के लिए मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। हो सकता है एक बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए बहुत छोटा सा अमाउंट हो, एक बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट हो। तो मटेरियलिटी डिपेंड करती है बिजनेस का साइज क्या, मतलब हो सकता है जैसे मैं खुद लूं कि भाई एक छोटे बिजनेसमैन के लिए 1 लाख रुपए की आइटम हो सकता है मटेरियल हो, बहुत मटेरियल हो, और एक हो सकता है बहुत बड़े बिजनेस के लिए वो कहते हैं 1 लाख रुपए की आइटम को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते, अगर हम उसको डिस्क्लोज नहीं करते तो आप ये मत मानना कि हम फुल डिस्क्लोजर के अगेंस्ट चले गए। तो फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं। फुल डिस्क्लोजर मुझे कह रहा है सब बताओ, बट मटेरियलिटी क्या कह रहा है कि फुल डिस्क्लोजर ठीक कह रहा है बट उसकी थोड़ी सी बात को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। कैसे एडजस्ट कर लेना, वो बताना जो इंपॉर्टेंट है, जो इररिलेवेंट है। इसलिए आप देखो बैलेंस शीट में छोटी छोटी आइटम्स को दिखाने की बात नहीं होती, P&L में हर चीज को डिस्क्लोज। जैसे आप लिखते हो मिसलेनियस एक्सपेंस, क्या आपने वर्ड जब यूज किया मिसलेनियस एक्सपेंस या आपने लिख दिया जनरल एक्सपेंस, तो इसमें तो आपको कैसे पता चलेगा, यूजर कैसे पता चलेगा? उसका मतलब जनरली मिसलेनियस और जनरल एक्सपेंस का अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होगा। आप लिख रहे हो आपके बिजनेस में कोई भी खर्चा सपोज करो 50 लाख से ऊपर नहीं है, मिसलेनियस में आप 10 करोड़ लिख रहे हो, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मिसलेनियस का मतलब होगा आपने कुछ डिटेल नहीं दी, तो मिसलेनियस में वो छोटे छोटे खर्चे दिखाए जाते हैं जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं होती। सैलरी को आप मिसलेनियस कैट में नहीं दिखा सकते क्योंकि सैलरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक बिजनेस में सैलरी का खर्चा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखो मिसलेनियस जब आपने लिखा, जनरल एक्सपेंस जब लिखा, तो आप फुल डिस्क्लोजर के अगेंस्ट चले गए। पर लेकिन जनरल एक्सपेंस आप फुल इसको क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है वो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है और आप उसको मटेरियलिटी के थ्रू जा रहे हो, और एज एन मटेरियलिटी कंसेप्ट आप क्या कर रहे हो, इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो एज एन जनरल एक्सपेंस। तो फुल डिस्क्लोजर मुझे क्या कह रहा है, सब कुछ बताना है।
बट मेटेरियलिटी मुझे क्या कह रही है, वो बताना है जो इम्पोर्टेंट है, जो डिसीजन लेना, मतलब जो यूजर के डिसीजन को चेंज कर सकता है। अगर क्योंकि अगर मैं सब दिखाने जाऊंगा बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट थोड़ी सी खराब दिखेगी, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी आइटम्स आ जाएंगी जिनसे मजा नहीं आएगा। ठीक है जी, कोई डाउट बचे? यस, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं।